चंदा के लिए हम लोग आ गए थे। चंदा माँ भूख लगा हुआ है, कुछ रात के 12 नजर नहीं आ रहा कुछ। ये तोरा में उसे ऐसे धुआं निकल रहा है कि एक दो कबाब सिक जाए। जो करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ठंडी है एंड मैंने ना 3 लेयर पहन रखी है, 1, 2 एंड इसके नीचे भी 1, 3, क्योंकि ठंडी तो जा नहीं रही है किसी भी हालत में। ऐसे लग रहा है कि अभी ना मुझे समर्स ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं विंटर के मुकाबले। इतनी ठंडी है कि ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता है, मन करता है कि ब्लैंकेट में बैठे बैठे ही सारा काम हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, निकलना पड़ता है। सो या जहाँ मैं चलती हूँ वहाँ आप लोगों को भी ले चलती हूँ एंड आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैं दिन भर क्या कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी। अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग नहीं, मैं और एक दो और हैं, हम लोग सब निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट का आज है बहुत सारा काम एंड हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, दिल को सुकून आ रहा है। सोया चुकी, चलते हैं। मामा के चंदा के लिए हम लोग आ गए थे, चंदा मामा, उसका रोमपर लेने के लिए, क्योंकि वो चांद जैसा टुकड़ा मेरा भाई, उसका रोमपर लिया हम लोगों ने यहाँ से। उसके बाद हम लोग निकल गए, हमें दिखे ये बहुत ही प्यारे प्यारे पपाया एंड ये टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद खाए ये वाले अमरूद, हम लोगों ने कटवाए एंड नमक छिड़क के खाया। आंटी आप क्या बना रही हैं और किस खुशी में बना रही हैं? ऐसे ही खाने के लिए। ठीक है, क्या बना रही है दिखाइए। ये है मुर्ग मुसल्लम, मुर्ग मुसल्लम। एंड ये क्या बन रहा है? इसमें चिकन, इसमें चिकन बन रहा है। एंड चिकन का साथ देने के लिए यहाँ पे था पुलाव। यहाँ पे लगा लिया था हमने आग एंड ठंड की बेस्ट फीलिंग को हम लोग फील कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग आईफोन का कवर देख रहे हैं कि हमें कौन सा। इस साहब के मस्त फॉग लगा हुआ है। ये रही मैं, ये रहा बालकनी का नज़ारा, आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। अभी बज रहे हैं कुछ 12 रात के 12, अभी बज रहे हैं कुछ रात के 12 एंड मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। मतलब गजब की ठंडी है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, बहुत ठंडी है। हो गया था नेक्स्ट डे एंड ये मैं बाबू को बहुत ही प्यार कर रही थी, क्योंकि आज ये जाने वाला था, ये आज अपने घर अपने ददियाल जाने वाला मुझे था। मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मैं जनरली मैं सॉक्स नहीं पहनती हूँ, लेकिन अभी मैं सॉक्स पहनने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है पैरों में। सो यार चलिए सॉक्स पहनते हैं। हेलो एंड आज हो चुका है नेक्स्ट डे, अभी हो गई है शाम। बाहर से अपन ने चाउमिन लाया है, बर्गर लाया है, तो चलिए चाउमिन एंड बर्गर खाते हैं। बहुत ठंडी है फ्रेंड्स, बहुत ठंडी, एक्सट्रीम लेवल वाली ठंडी है। मैं ना ब्लैंकेट के साथ रहती हूँ, जहाँ दिखा ठंडी करीब आते हुए वहाँ मैं ब्लैंकेट के अंदर चली जाती हूँ। अभी चलिए अभी चाउमिन एंड बर्गर खाते हैं एंड लेट्स सी फिर क्या करते हैं। ये वाली जो चाउमिन की बाइट है ना, ये आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हो चुकी है शाम एंड मैं इस तिजोरी को फोड़ने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं, यहाँ इसको तिजोरी बोलते हैं एंड कुलिया बोलते हैं। एंड ये है ना, ये किसका कुलिया है? ये चांदनी का कुलिया है जो हम लोग फोड़ने वाले हैं।
मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी करा देती हूँ। वैसे मैंने इंट्रोड्यूस करा रखा है एक व्लॉग में, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से उससे मिलवा देती हूँ कि ये किसका खिजौरी है। हम लोग इसे अभी फोड़ेंगे एंड गिनेंगे कि इसमें कितने पैसे हैं। चांदी, तुमको क्या लगता है इसमें कितने पैसे होंगे तुम्हारे? नहीं पता। नहीं पता, अभी गिने हम लोग। हाँ गिने। चलो हम लोग गिनते हैं कि चांदी के इस खिजौरी में कितने पैसे हैं। कितने शरीफ से बैठी हुई है, इतनी शरीफ है नहीं। चलिए अब हम लोग की जोड़ी फोड़ते हैं एंड देखते हैं कि क्या निकलता है उसमें से, कौन सा खजाना निकलता है। ये तो ऐसे बैठी हुई है जैसे लग रहा है इसका कौन सा खजाना छीना जा रहा है। चलो चलिए फोड़ते हैं। ये तोड़ा मैंने इसे, ये सेटिस्फाइंग फीलिंग है। आप जितने दिनों से जमा करते हो ना एंड आप उसको एक बार फोड़ते हो एंड आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा। कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों से ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। ये चिल्लर्स जो निकलते हैं इसे काउंट करना रहता है एंड उसके बाद हम लोग इसे रखते हैं। तो ये कौन कौन करता है, ये वैसे मैं अभी भी करती हूँ, आप लोगों में से कौन कौन करते हैं ये नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइए। तुम्हारे एक जोरी में से तो 8,000 निकला है, तुम उसका क्या करोगी? हमको दे दो, बाल स्ट्रेट करा लेंगे हम। दे दो। देखेंगे। देखोगी? हाँ। बाल स्ट्रेट देखोगी या करवाओगी? दोनों देखेंगे। चांदनी की कुलिया में से 8,000 रुपया निकला है। इतना बैंक बैलेंस तो मेरा नहीं है जितना इसका निकल गया है। बाहर एंड आज भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, मुझे सर्दी हो रखी है, लेकिन मुझे इसके वजह से आना पड़ा क्योंकि इसे और भी ज़्यादा ठंडी लगती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हीटर लाने के लिए एंड कुछ और भी सामान सब लेना है, तो वो लाने के लिए हम लोग को इतनी ठंडी में निकलना पड़ा है। बहुत ज़्यादा ठंडी है, मुँह से ऐसे धुआँ निकल रहा है कि एक दो कबाब सीख जाए। चले हम चलते हैं, हम घूम के एंड दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जो भी लूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आ गए थे यहाँ पे हम लोग लवली कॉर्नर हीटर लेने के लिए। हम लोगों ने पिछले बार भी यहीं से हीटर लिया था, सो इस बार भी हम लोग यहाँ से हीटर ले लिए एंड मैं और अप्पी हीटर का टेस्ट करते हुए कि वो कैसा है। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला हीटर को फाइनल किया, उसके साथ ये सब भी थे, लेकिन हम लोगों ने वही वाला लिया, उषा कंपनी का। मोस्ट वेलकम। इसी पे ना कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी, तो हम लोग चले गए कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए एंड हम लोगों ने खाया ये मोमोज। आ गए हम लोग मार्केट में एंड क्यों निकले हैं, क्योंकि जो हमारा मेहंदी का आउटफिट है ना, सारी लड़कियों का पूरे टीम में 10-15 लड़कियों के एक जैसे ड्रेसेस हैं। कुछ कुछ के पैटर्न्स अलग है, जैसे 4 और 5 का टीम अप हुआ है हम लोगों में, तो उनके मटेरियल्स कम पड़ गए हैं, जिस वजह से हमें मटेरियल्स लेने के लिए जाना है। एक का मटेरियल कम पड़ा है तो अभी हम लोग वही लेने के लिए जा रहे हैं एंड बहुत ठंडी है जिस वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब घर जाएंगे एंड आराम फरमाएंगे, पहले मटेरियल पिक कर लेते हैं। ठंडी तो ऐसे पड़ रही है जैसे लग रहा है हिमालय खुद चल के हमारे पास आ गया है। एंड कल मैंने एंड चांदी ने जो कुलिया फोड़ी थी, हमें कुलिया भी लेना है दोबारा से। ये सारा हम लोग यहाँ पे मटेरियल देख रहे थे एंड हमें जो वाला मटेरियल चाहिए था वो हमें मिल गया एंड हम लोगों ने उसे फाइनल कर दिया। आ गए हैं हम लोग मेहंदी के जो जितने भी आउटफिट्स हैं उन सब के दुपट्टा लेने के लिए एंड ये दुपट्टे की स्टोर है, पीछे सारे दुपट्टे हैं। अभी हम लोग यहाँ से दुपट्टा लेंगे, देख रहे हैं हम लोग। दुपट्टे की
शॉपिंग करने गए थे हम लोग, लेकिन दुपट्टा हम लोगों को नहीं मिला उस टाइप का, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ स्पाइसेस लेने थे, हम लोगों ने वो लिए। हम लोग निकल गए थे घर के लिए, तो मुझे मेरा स्कूल दिखा, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं अपना स्कूल भी शेयर कर लूँ। ये मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने नर्सरी से लेकर 12th तक की पढ़ाई की है, नाउ मैं ग्रेजुएटेड हूँ।